हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआईसी रुधौली बस्ती। बच्चों, हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही बहुचर्चित टॉपिक नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत आप लोग सुने होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। आज हम आपको बिल्कुल उसी दुनिया में लेकर के चल रहे हैं। अगर आज तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना नहीं सीख पाए हैं या अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, तो आज कमर कस लीजिए। आज हम आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये दोनों समझा करके रहेंगे। और किसी डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप रेगुलर नियमित बिना फॉरवर्ड किए देखिए वीडियो, तो आपके समझ में ये टॉपिक आना ही आना है, यह मैं 100% दावा करता हूँ। तो हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। अर्थात इस शब्द से ही एकदम स्पष्ट है कि किसी वक्ता के द्वारा यानी किसी स्पीकर के द्वारा जब कोई बात हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से आपको समझावें। जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाए, मोहन सेट्टू रीमा कामा इन्वर्टेड कॉमे, मोहन सेट्टू रीमा कामा इन्वर्टेड कॉमे, यू आर ए गुड, यू आर ए गुड गर्ल। चलिए, कैमरे की रेंज में है ये, यू आर ए गुड गर्ल। अच्छा, मोहन ने रीमा से कहा तुम एक अच्छी लड़की हो। मोहन के द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, यह मोहन के द्वारा कहे गए सेंटेंस को ज्यों का त्यों जब हम इन्वर्टेड कामा, बच्चों देखो जो साइन लगा हुआ है इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ये डबल छोटा सा 6 दिख रहा है और इधर डबल 9 दिख रहा है, इसे हम साइन ऑफ इन्वर्टेड कामा, इसे हम इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा बनेगी कि जब किसी वक्ता के द्वारा कहा गया कथन ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। अब आप देख लीजिए, ये जो डायरेक्ट स्पीच लिखा गया बच्चों, एक्चुअली इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग तो आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, एक भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई दे रहा है तथा दूसरा भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए, यह भाग आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई दे रहा है और यह पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर दिखाई दे रहा है। इन दोनों का बच्चों अलग अलग नाम है। नाम आप पहले समझ लीजिए, इनको कहते क्या हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट, हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की आवश्यक अंग कौन कौन है, तो जानिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो सबसे आवश्यक अंग होता है बच्चों, आज कैमरा सेट नहीं हो रहा बढ़िया से, रिपोर्टिंग वर्ब का बच्चों जो आवश्यक अंग होता है वो होता है एक स्पीकर। देखिए, स्पीकर मतलब जो कहने वाला होता है, जिसको हम कर्ता के नाम से भी जान सकते हैं। यह स्पीकर का होना जरूरी है और एक वर्ब का होना जरूरी है। भाई, कोई स्पीकर कोई बात कहेगा तो स्पीकर का होना जरूरी हुआ, और वो जिस बात को कह रहा है वर्ब, वह वर्ब का होना जरूरी है। यानी एक स्पीकर होगा, एक क्रिया होगी। और यह चीज़ देख लीजिए, ये जो रीमा है बच्चों, इसको हम कहेंगे लिसनर, श्रोता।
या इसको ऐसे कह लीजिए, इसको कर्म हम कहेंगे, यह कर्म है और यह कर्ता है। यानी बाहर वाले वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है और एक कर्म होता भी है, नहीं भी होता है। कभी कभी सुनने वाला जरूरी नहीं होता है, केवल लिसनर ही अपना काम पूरा कर देता है, वहाँ लिसनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्पीकर से ही काम पूरा हो जाता है। यानी मोहन सेट भी केवल हो सकता है, और मोहन सेट टू रीमा, मोहन सेट टू यू, मोहन सेट टू मी, ये भी हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी सबसे आवश्यक पार्ट अगर देखा जाए तो रिपोर्टिव वर्ब का जो आवश्यक पार्ट है वो कर्ता और क्रिया। अब यहाँ देख लीजिए जो अंदर वाला पोर्शन है बच्चों, इसमें भी कोई सेंटेंस होता है। बच्चों यहाँ आपको बताए जाएंगे कि पांच प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम आपको सिखाएंगे। पहले सिखाएंगे असर्टिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है, फिर आपको सिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस अज्ञार्थक वाक्यों का कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है, और फिर आपको सिखाएंगे एक्सक्लेमेटरी एंड देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचों प्रकार के सेंटेंसों को हम इनडायरेक्ट में बदलना आपको सिखाएंगे। तो ये चीज आप जान गए होंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है बच्चों, इसका नाम देख लीजिए, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, या इसका एक और नाम है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, यानी इसको दो नामों से जाना जाता है, एक रिपोर्टेड स्पीच, एक डायरेक्टेड, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच या क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच। यानी बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो आप नरेशन के जो पार्ट होते हैं बच्चों, वो समझ गए कि किसी नरेशन वाले सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी इसमें मोहन के द्वारा कहा गया कथन यू आर ए गुड गर्ल को डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसी प्रक्रिया को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम आपको बता रहे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा हम लिखेंगे कि जब किसी वक्ता के द्वारा कहा गया कथन डायरेक्ट ना लिख करके थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया जाता है, उसका टेंस बदल दिया जाता है, और अगर कर्ता बदलने की जरूरत हो तो कर्ता भी बदल दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसी वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखा रहे हैं। मोहन सेड टू रीमा यू आर ए गुड गर्ल, इसका जब इनडायरेक्ट बच्चों बदलेगा तो हो जाएगा, यहां से लिखते हैं मोहन टोल्ड रीमा दैट, मोहन टोल्ड रीमा दैट। बच्चों जब यू को बदलेंगे तो रीमा के अनुसार वो सी हो जाएगा। अब इस यू को बदल करके हमने सी कैसे लिखा, यही आपको आज हम समझाएंगे, यही आप सिखाएंगे, तो आप लोग चिंता ना करें। मोहन टोल्ड रीमा दैट सी, और आर को बदल करके हम वाज कर देंगे, सी वाज ए गुड गर्ल। बच्चों मुझे नियम याद था, मैंने डायरेक्ट को बदल करके इनडायरेक्ट कर दिया। अब आप कैसे बदलेंगे किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, आप कैसे बदलेंगे, यही तो आज सिखाने जा रहे हैं हम आपको। तो अगर इसका परिचय आपके समझ में आ गया हो तो हम आपको आज पहला अध्याय शुरू करें, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। चलिए अगर आपका आदेश हो तो हम शुरू कर देते हैं। आज हम आपको बच्चों जो पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। बच्चों पहले असर्टिव सेंटेंस जान तो लें होता क्या है, नहीं तो पता चले असर्टिव सेंटेंस पता ही ना हो और हम आपको असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सिखावें। तो बच्चों असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण कथन, और साधारण कथन की पहचान होती है किसमें कर्ता सबसे पहले लिखा होता है, और ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ही सेड टू मी, कामक अंदर आई सेल गो टू स्कूल, टुमारो। हे सेड टू मी आई सेल गो टू स्कूल टुमारो।
बच्चों यह दिया गया सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे यह आपको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बच्चों जो पहला चरण होता है वह होता है सेड को बदलकर, सेड को बदलकर टोल्ड कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो सेड दिया है सेड टू, सेड के साथ टू भी बदलेंगे, सेड टू को बदल करके टोल्ड कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में से लिखा हो तो से को बदल करके टेल कर दिया जाएगा, यदि वाक्य में सेज लिखा हो तो सेज को बदल करके टेल्स, सेज को बदल करके टेल्स कर दिया जाएगा, और यदि वाक्य में विल से लिखा हो, विल से लिखा हो तो इसको बदल करके विल टेल कर दिया जाएगा। बच्चों यहाँ एक शर्त है, यह प्रक्रिया तभी लागू होगी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो। ध्यान दीजिए, सेड को बदल कर टोल्ड, से को बदल कर टेल, सेज को बदल कर टेल्स, विल से को बदल करके विल टेल और साइल से को बदल करके साइल टेल तब करेंगे जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ लिसनर, सुनने वाला, जैसे यहाँ ही कह रहा है, मी सुन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर यह ऑब्जेक्ट है यानी लिसनर है तो ही सेड को बदल करके हम इस प्रक्रियाओं से गुजारेंगे, अन्यथा नहीं। अब आपका दूसरा चरण है, सेकंड है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो इन्वर्टेड कामा लिखा हुआ ना, कामा है फिर ऊपर डबल कामा है, इसके स्थान पर हमें हमेशा दैट लगाना है विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के हमको हमेशा दैट का प्रयोग करना होगा। चलिए नंबर तीन, कर्ता परिवर्तन। बच्चों कर्ता परिवर्तन का तात्पर्य ये जो अंदर वाला वाक्य है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, इसमें मौजूद कर्ता भी बदल जाता है, या कैसे बदलता है यही आपको हम सिखाने जा रहे हैं। कर्ता परिवर्तन में बच्चों होता क्या है, इसको नंबर ए मान लीजिए, फर्स्ट कर्ता से संबंधित शब्द ये कौन कौन है देख लीजिए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, हालांकि और भी हैं लेकिन इतना ही जानिए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये बदले जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, आरबी मतलब समझ आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देख लीजिए नंबर बी कंडीशन देख लीजिए, सेकंड कर्ता से संबंधित, सेकंड कर्ता से संबंधित शब्द ये कौन कौन है देखिए, यू, योर, यू, इसमें योर सेल्फ भी आ जाएगा, योर्स भी आ जाएगा, इनको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब बाहर वाला पार्ट, जो इन डायरेक्ट स्पीच में जो बाहर वाला पार्ट होता है ये पार्ट, इसके अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर हो ही ना, ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो ऐसी अवस्था में हम इन शब्दों को बदलने के लिए फ्री हैं, भाव के अनुसार हम किसी भी कर्ता के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देते हैं या तो यही रहने देते हैं। अब नंबर आपका जो सी बनता है बच्चों, कर्ता परिवर्तन का जो सी वाला फार्मूला है वो है थर्ड कर्ता। भाई कर्ता तीन ही प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता। थर्ड कर्ता से
संबंधित शब्द, थर्ड कर्ता से संबंधित शब्द। बच्चों इसमें बहुत है, अनलिमिटेड वर्ड है, इसकी गणना करना असंभव है, लेकिन हम कुछ आपको लिख दे रहे हैं। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और इनसे बने हुए सारे शब्द, हिज हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, हर हो गया, देर हो गया, देम हो गया, इन सबको नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है, अर्थात इन सबको कोई बदलाव नहीं करते हैं। यानी कर्ता परिवर्तन का बच्चों एक सूत्र निकलेगा, यस ओ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कर्ता परिवर्तन के बच्चों सूत्र है। इसका मतलब समझ लीजिए, यस ओ एन फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब समझिए, यदि अंदर वाले वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट कर्ता से संबंधित शब्द आई माई मी वी और यस हो, तो उसे बाहर वाले के यस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यदि अंदर वाले वाक्य में सेकंड पर्सन या उससे संबंधित शब्द हो यानी यू हो, योर हो, यू हो, तो उसे बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फ्री हैं, हम किसी भी कर्ता के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं या वही रहने दे सकते हैं, और अगर थर्ड कर्ता है तो नो चेंज, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हमें लगता है कर्ता परिवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा जो काम करते हैं बच्चों वो है टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन यानी जो अंदर वाला वाक्य है बच्चों वो टेंस भी बदल जाता है। इसमें देखो कई शर्तें हैं, टेंस परिवर्तन की शर्तें बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। इसमें टेंस परिवर्तन में होता क्या बच्चों, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, इसको ऐसे लिख दें, समझ जाएंगे आप लोग, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, का टेंस नहीं बदलता है। ये पहली कंडीशन, इसको मान लेते हैं हम, इसको पहली कंडीशन मान लेते हैं टेंस परिवर्तन का। जो पहला कंडीशन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाला खंड प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन बच्चों है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, समझ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच बदलता है, बदलता है, तो रिपोर्टेड स्पीच बदलता है निम्नलिखित तरीके से, निम्नलिखित तरीके से। ये जो निम्नलिखित तरीका है बच्चों, इसको हम ऊपर लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम लिखें निम्नलिखित, तो चलिए देखते हैं, ऊपर ले चलते हैं। बच्चों देखिए कैसे टेंस परिवर्तन होता है, जब बाहर वाला वाक्य पास्ट हो तो अंदर वाले वाक्य में प्रेजेंट के चारों भाग, पास्ट के चारों भाग में क्रमशः बदलते हैं, बच्चों प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, आपको पता ही होगा, प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही चारों भाग क्रमशः पास्ट के चारों भाग में बदल दिए जाते हैं। अब मान लीजिए अंदर वाला भाग आपका पास्ट है तो क्या करेंगे, तो चलिए पास्ट होने की दशा में देखते हैं। यदि अंदर वाला वाक है पास्ट इंडिफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट इनडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, फिर बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो पास्ट के दो टेंस हो गए, अभी पास्ट में दो टेंस बचे हैं बच्चों, उनको भी देख लीजिए। अब बचा क्या, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते हैं, और फिर बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी नहीं बदलते हैं बच्चों। यह वीडियो समझाने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन जब तक एक एक पॉइंट आप नहीं समझेंगे तब तक आपको नरेशन नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत बारीकी से और बहुत धैर्य रख करके आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा यदि समझना है तो, और नहीं समझना हो तो वीडियो बंद कर दीजिए, फिर देखने की जरूरत नहीं है। अगर समझना है तो वीडियो लगातार देखिए और निरंतर देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। अब बच्चों ये रहा प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो उसके चारों भाग पास्ट में चले जाएंगे, और यदि पास्ट है तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा, पास्ट इनफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी नहीं बदलते हैं। अब बच्चों फ्यूचर भी तो आ सकता है अंदर, यदि फ्यूचर आया हो तो शैल या विल लगा होगा, भाई फ्यूचर की ही तो पहचान होती है। यदि फ्यूचर टेंस रहेगा या तो उसमें शैल लगा रहेगा या विल लगा रहेगा, तो ऐसी अवस्था में शैल और विल को बदल करके हम कर देते हैं शुड या वुड। ये तो तीनों टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस को इस प्रकार बदलेंगे, पास्ट टेंस को इस प्रकार से बदलेंगे, और फ्यूचर में केवल शैल और विल को बदल करके शुड और वुड कर दिया जाता है। अब बच्चों अंदर वाला वाक्य देखिए, ये और भी तो कोई नियम हो सकता है, हो सकता है लिंकिंग वर्ब हो सकता है कोई मॉडल का प्रयोग हुआ हो, तो मॉडल के प्रयोग बच्चों देख लीजिए। इसको मान लेते हैं तीसरा पॉइंट, इसको तीसरा पॉइंट मान लेते हैं तीसरा। अब जरा चौथा पॉइंट देख लीजिए, चौथे पॉइंट बच्चे देख लीजिए, यदि वाक्य में मॉडल आता है तो कैन को बदल करके कुड कर देते हैं, मे को बदल करके माइट कर देते हैं, हैव टू को बदल करके हैड टू कर देते हैं, लेकिन बाकी के जो पास्ट सूचक शब्द हैं शुड हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, यूज्ड टू हो गया, ऐसे वाक्यों में कोई परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कैन का बदल कर कुड, मे को बदल कर माइट, हैव टू को बदल करके हैड टू कर देते हैं, यहां लिखते हैं कर देते हैं, करते हैं, लेकिन अगर शुड है, वुड है, मस्ट है, ऑट टू है, यूज्ड टू है, तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट रूप में होते हैं। हमें करना क्या, जो भी प्रेजेंट रूपी शब्द हैं उनको हमें पास्ट रूप में ले जाना है, लेकिन पहले से अगर पास्ट रूप लिखा बच्चों तो हमें उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों जरा पाँचवें पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो पाँचवा पॉइंट है, कभी कभी बाहर पास्ट टेंस होता है लेकिन अंदर वाले वाक्यों का टेंस नहीं बदला जाता, इसके कुछ शर्तें होती हैं, तो आप लिखेंगे ऐसे, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ TRUTH कामा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर वाले वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन कामा, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट माने होता है ऐतिहासिक घटना, या प्रोवर्ब माने मुहावरा होता है, यदि रिपोर्टर्स बीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन यानी स्वाभाविक आदत है, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना, या प्रोवर्ब कोई मुहावरा आ जाता है बच्चों तो भी उसका टेंस नहीं बदला जाता है।
तो यदि रिपोर्ट युग्म में यदि सब हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। अब बच्चों एक और चरण देख लीजिए, ये आपका फार्मूला लगभग यहाँ मेंटेन हो गया। एक छोटी सी बात और जाननी होती है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो निकटता का बोध कराते हैं, इनको हम दूरी का बोध कराने के लिए निम्न शब्दों में भी परिवर्तन होते हैं। देखिए कैसे होता है, निम्न शब्द भी बदले जाते हैं, निम्न शब्द भी बदले जाते हैं। जैसे देखो दिस का दैट कर देते हैं, दीज का दोज टी एच ई एस ई दीज को दोज कर देते हैं। टुडे माने आज होता है, इसको बदल करके दैट डे कर देते हैं, टुडे को बदल करके दैट डे, समझ लेंगे ना। फिर है टू नाइट को दैट नाइट, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। फिर टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। स्टरडे देख लीजिए, स्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस, यहाँ आ जाएगा PREVIOUS, आ गया लगता है PREVIOUS, प्रीवियस डे में बदलते हैं। नाउ को देन में बदलते हैं, NOW, नाउ को देन। फिर एगो को बदलते हैं बिफोर में। तो बच्चों ये एक छोटा सा, या कह लीजिए जितना भी शॉर्टकट में हो सकता था हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ आपकी थ्योरी मेंटेन होती है। नाउ वी शैल गो टू प्रैक्टिकल, अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि केवल थ्योरी से आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है जब तक हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आपको अब प्रैक्टिकल करवाने चल रहे हैं। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, इसको मिटा दें बच्चों। चलिए पहले हम इसी एग्जांपल को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे बच्चों, तो देखिए हमने आपको जो पहला चरण लिखवाया है कि सेड टू को बदल करके टोल्ड कर दे हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा इस तरह से, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने आपको सिखाया कि दैट का प्रयोग करते हैं, आपने दैट लगा दिया। अब बच्चों हमें बदलना है आई। चलिए यहाँ थोड़ा सा और हम एक चीज़ समझा देते हैं, कभी कभी आप जिस प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसकी पहचान बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। हम आपको बता दें प्रोनाउन के तीन कैटेगरी आपके सामने दिखाई जा रही हैं। प्रोनाउन तीन प्रकार का हम आपको बताने जा रहे हैं। एक होता है प्रोनाउन कर्ता रूप में, ऐसे एक लिस्ट बना देते हैं। एक होता है अपने की अंग्रेजी, हम आपकी भाषा में लिखा रहे हैं, अपने की अंग्रेजी कोई शब्द नहीं है, इसको पजेसिव केस कहा जाता है, अपने की अंग्रेजी। और एक रूप होगा बच्चों कर्म, एक रूप होगा कर्म, इसको मैं ऐसे चार्ट बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बच्चों जो कर्ता परिवर्तन में प्रोनाउन चेंज होते हैं उसका रूप पहचानना बहुत जरूरी होता है। देखिए कर्ता परिवर्तन में जो पहला प्रोनाउन आपका होता है वो आई होता है और एक वी होता है। आपको पता होगा कि ये दोनों शब्द बदले जाते हैं बाहर वाले के कर्ता के अनुसार, अर्थात इसको बदला जाता है यस के अनुसार, यस मतलब बाहर वाले का सब्जेक्ट। आई का अपने कैरिज होता है माई, वी का आवर, फिर आई का कर्म मी होता है और वी का कर्म अस होता है। अब देख लीजिए सेकंड कर्ता में होता है यू, योर, यू। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा योर किस रूप में है, तो आपको कहना पड़ेगा योर अपने की अंग्रेजी रूप में है। जब भी योर को बदलोगे तो कोई अपने की अंग्रेजी ही आएगी, अगर और किसी ग्रुप का शब्द आप लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको बच्चों बदला जाता है बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अनुसार,
ये हो गया। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में बच्चों चार प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेल, फिर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फीमेल, फिर होगा न्यूट्रल जेंडर निर्जीव लिंग जिसको इट कहते हैं, और एक होता है इन तीनों का बहुवचन दे। थर्ड कर्ता में सिर्फ इसी चार कैटेगरी के शब्द आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, तो इनका भी रूप जान लीजिए। ही का अपने के अंग्रेजी हिज होता है, कर्म इसका हिम होता है, सी का हर होता है और कर्म भी हर होता है, इट का इट्स होता है और कर्म इट होता है, फिर है दे, दे का टी एच ई आई आर देयर होता है और फिर देम होता है। बच्चों आपको पता है इन थर्ड कर्ता से संबंधित शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, यानी आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 शब्द दिखाई पड़े तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव करने की गलती नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर ये 9 शब्द दिखाई दे रहे हैं तो इनको बदलेंगे, लेकिन जिस रूप को बदलेंगे उसी रूप का शब्द आना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रहे। जब हम आई को बदलेंगे, वी को बदलेंगे, यू को बदलेंगे तो इसी लाइन का कोई शब्द आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, या तो डायरेक्ट नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो हमें इसमें से कुछ नहीं लिखना होगा, लेकिन अगर किसी नाउन के लिए शब्द हमको लिखना होगा तो इसी में से ही कोई ना कोई आएगा। अगर माई को बदलेंगे, आवर को बदलेंगे, योर को बदलेंगे तो इसी ग्रुप का ही कोई वर्ड आना चाहिए। जब हम मी को बदलेंगे, अस को बदलेंगे और यू को बदलेंगे तो इसी ग्रुप का ही शब्द आना चाहिए। लेकिन बच्चे आप लोग गलती जानते हैं क्या करते हैं, जब आप माई बदलते हैं तो इस लाइन का कोई शब्द लिख कर बैठ जाते हैं, जब आप माई चेंज करते हैं तो इस लाइन का कोई शब्द लिख करके बैठ जाते हैं, जब आप अस को चेंज करते हो तो इस लाइन का शब्द लिख करके बैठ जाते हो। यही सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी होती है, इस मिस्टेक को आज आप पूरी तरह से दूर कर लीजिए। चलिए हम बदल रहे आई को। अब उस चार्ट से आप देख लीजिए आई किस रूप में है, तो कहेंगे आई कर्ता रूप में है। हमें आई बदलना है यस के अनुसार, यानी आई बदलना है ही के अनुसार। तो बच्चों जब आई को बदलोगे ही के अनुसार तो ही ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, हमें अलग से कोई प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आई को बदल करके ही के अनुसार ही कर दिया जाएगा। ठीक, अब चलिए अगले पॉइंट पर, हमें टेंस परिवर्तन पर विचार करना है। साइन लगा है इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब ये देखो कि टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये जान लिया जाए। यहाँ देखा जाए तो बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस है तो अंदर तो टेंस बदलेगा ही, क्योंकि अंदर चार प्रकार के कंडीशन दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही कोई हैबिचुअल एक्शन है, ना ही कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, और ना ही कोई प्रोवर्ब इसमें दिखाई दे रहा है, तो टेंस तो श्योर बदलेगा। अब हमें सैन को बदल करके ही के अनुसार हमें उड कर देना पड़ेगा। अब कहेंगे सैल था, सैल को बदल करके सूट किया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों ये आई के साथ सैल था, अब ही के साथ तो सैल नहीं होगा ना, ये ही के साथ तो विल पढ़ा जाएगा, तो विल को बदल करके हम उड कर दिए। और टू स्कूल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और टुमारो को बदल करके द नेक्स्ट डे। चलिए अगला कुछ और कठिन वाक्य यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ, राम से टू गीता कामक अंदर यू डिड नॉट नो माय एड्रेस, यू डू नॉट नो माय एड्रेस। राम ने गीता से कहा तुम मेरा पता नहीं जानती थी। चलिए इस बात को हम चेंज करते हैं, सेट टू को बदल करके टोल्ड करेंगे, ये तो कन्फर्म है, तो जाकर राम टोल्ड गीता, यहाँ इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा करके बैठ जाइए। अब बच्चों हमें बदलना है यू, ध्यान दीजिए, पहले यू को पहचानो तो ये कौन रूप है, कर्ता रूप है या कर्म रूप है। अब आपके सामने समस्या होगी कि यू तो दोनों रूप में पाया जाता है, यू कर्म भी है या कर्ता भी है, तो कैसे पता करें कि कब कर्म होता है कब कर्ता होता है, तो जानिए इसका तरीका है। अगर यह यू मुख्य क्रिया से पहले लिखा होगा तो यह कर्ता रूप होगा, अगर यह यू मुख्य क्रिया के बाद लिखा होगा तो यह कर्म रूप होगा। यानी इसमें देखिए यू डिड नॉट नो माई एड्रेस, यहाँ नो के पहले यू है, यानी यह कर्ता रूप है। अब हमें इस यू को बदल करके इसी लाइन का कोई शब्द लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार बच्चों, और ऑब्जेक्ट है गीता।
अर्थात यह तय हो गया कि यू को बदलना है गीता के अनुसार, और हमें गीता का क्या लिखना है, कर्ता रूप, और गीता का कर्ता रूप लिखना हो तो गीता का प्रोनाउन चुन लीजिए। गीता का सर्वनाम क्या होगा, गीता का सर्वनाम होगा सी। अरे भाई गीता एक लड़की है और लड़की के लिए सर्वनाम आप यूज करते हो सी, सी हो गया। मान लीजिए यहां कोई पुरुष होता तो यू को बदल करके उस सिंगुलर पुरुष के अनुसार हम ही लिखते, ठीक है। मान लीजिए यहां कोई प्रोनाउन पहले से होता मी होता तो यू को बदलते जब मी के अनुसार, तब क्या होता, तब मी का कर्ता लिखा जाता आई होता। मान लीजिए इस यू को बदल करके यहां अस होता अस, तो हम यू को बदलते अस के अनुसार तो हमें अस का कर्ता लिखना होता और अस का कर्ता होता वी। तो यहां हो गया यू को बदल करके गीता के अनुसार सी हो गया। अब हमें टेंस परिवर्तन करना है, डिड नॉट को बदल करके हैड नॉट, यानी इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना। बच्चों हम इसे पास्ट परफेक्ट में ले जा चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो आपको पता है ये टेंस परिवर्तन भी होगा, अर्थात ये नो बदल करके नोन हो जाएगा, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे भाई, पास्ट इन्फिनिट को जब आप पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे तो ये डिड बदल करके हैड हो जाएगा, नो बदल करके नोन हो जाएगा। अब हमें माई चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माई का ग्रुप तो पहचानिए कि माई किस ग्रुप का शब्द है। इस बने हुए चार्ट से आप देख सकते हैं कि माई अपने की अंग्रेजी वाले ग्रुप में शामिल है, अर्थात यह तय है कि माई को बदल करके इसी लाइन का ही कोई शब्द लिखना होगा, और माई बदलेगा यस के अनुसार, अर्थात इस वाक्य में माई बदलेगा राम के अनुसार, अर्थात पूरा बना माई को बदल करके हमें अपने की अंग्रेजी लिखना है राम का। तो राम का अपने का अंग्रेजी लिखने के लिए बच्चों पहले राम का कर्ता ढूंढ लो, राम का प्रोनाउन ढूंढ लीजिए। तो राम का प्रोनाउन क्या हो सकता है, राम का प्रोनाउन हो सकता है ही। भाई राम को क्या कह सकते हो, ही कह सकते हो ना, एक पुरुष है एक वचन है तो उसको ही कह सकते हैं। अर्थात माई को बदल करके राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी, जो अपने के अंग्रेजी ही का होगा वही राम का होगा। अगर ही का नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, ही का अपने के अंग्रेजी हिज होता है, तो माई को बदल करके राम के अनुसार हो जाएगा हिज एड्रेस। बच्चों जब तक ये चार्ट आप लोग पूरी तरह से अपने दिमाग में फीड नहीं करोगे तब तक इनडायरेक्ट बदलना भूल जाइए। इसको रटंत विद्या के आधार पर आप इनडायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, और मैं आपको अच्छे ढंग से सिखा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा क्रास क्वेश्चन हो जाए, यदि माई हम बदलते, मान लीजिए यहाँ राम लिखा हुआ, अगर यहाँ सीता लिखा होता तो सीता के अनुसार जब बदलते हो बच्चों माई को, तो माई बदलता सीता के अनुसार तो सीता इक्वल टू सी होता। भाई सीता को हम सी कह सकते थे ना, अरे भाई यह सी ध्यान दीजिए, यह सी, सीता को हम सी कह सकते हैं ना, सीता को सी कह सकते हैं। तो जब सी के अनुसार बदला जाता तो सी का जो अपने के लिए होता वही सीता का होता, और यहाँ देखिए सी का अपने के लिए हर होता है, अर्थात माई को अगर बदला जाता सीता के अनुसार तो वह हो जाता हर। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं, माय फादर सेड टू अस यू हैव डन माई, यू हैव डन माई वर्क। मेरे पिताजी ने हमसे कहा यू हैव डन माई वर्क। अब ध्यान दीजिए माई फादर सब्जेक्ट है, अस यहाँ कर्म है तो इसका मतलब सेट बदलेगा तो हो जाएगा माई फादर टोल्ड अस, यहाँ दैट कर दीजिए, फिर हमें यू बदलना है। जिस प्रकार आपने यू को बदल करके गीता के अनुसार सी लिखा उसी प्रकार यू को बदल करके हमें अस के अनुसार अस का कर्ता लिखना होगा, तो अस का कर्ता हो जाएगा वी। कैसे पता चला, यहाँ देखो अस लिखा है, अस का कर्ता रूप होता है वी, और हैव को बदल करके हमें टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा तो हैड हो जाएगा, और डन में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी तो है डन लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। अब माई बदलना बच्चों, फिर माई बदलना है, जिस प्रकार आपने माई बदला था राम के अनुसार तो हिज हुआ था, यहाँ जब माई बदलोगे माई फादर के अनुसार तो बच्चों माई फादर का पहले कर्ता ढूंढ लीजिए, माई फादर का प्रोनाउन क्या हो सकता है, माई फादर कोई एक वचन और पुरुष, तो एक वचन पुरुष के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही को,
अर्थात माई को बदलना पड़ेगा ही के अनुसार, तब हीज हो जाएगा, हीज वर्क। अगला वाक्य देख लीजिए, द गर्ल सेड टू हिम, द गर्ल सेड टू हिम, योर ब्रदर टेल्स ए लाई। लड़की ने उससे कहा, द गर्ल सेड टू हिम, लड़की ने उसे कहा, योर ब्रदर टेल्स ए लाई, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है। अब इसमें देखिए, इस सेड टू को बदल करके टोल फिर करेंगे हम, तो आपका आंसर बनेगा द गर्ल टोल्ड हिम, यहां दैट लगा दीजिए, यहां योर बच्चों योर। अब हमें योर बदलना है बच्चों, योर है अपने के अंग्रेजी, अर्थात इस योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात योर को बदलना होगा हमें हिम के अनुसार। तो जब योर बदलोगे हिम के अनुसार, तो हमें हिम का अपने का अंग्रेजी लिखना होगा, क्योंकि हम बदल रहे हैं अपने के अंग्रेजी। तो हिम का अपने का अंग्रेजी अगर नहीं याद है तो याद कर डालो, हिम की अपने अंग्रेजी, यहां देख लीजिए, हिम का अपने का अंग्रेजी हिज होता है। तो फिर से एक बार योर को बदल करके हिम के अनुसार हिज मिल गया, ठीक। ब्रदर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हिज ब्रदर, और टेल्स ये प्रेजेंट इनडिफिनिट है, जब पास्ट इनडिफिनिट में ले जाओगे तो हो जाएगा टोल्ड ए लाई। बच्चों आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, अगर समझाएंगे नहीं तो ये थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं होगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने ज़्यादा आपके समझ में यह टॉपिक आएगा, इसलिए प्रैक्टिकल कराना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला वक्त देते हैं, द टीचर सेड, काम है कंदर, यू शुड वर्क हार्ड, शिक्षक ने कहा तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। बच्चों यहां देखिए, सेड को बदलने की कंडीशन, सेड यहां नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा द टीचर सेड, सीधे दैट लगा दीजिए। बच्चों हमें यू बदलना है, यू बदलने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो यानी लिसनर ना हो तो क्या करते हैं, इस यू को बदलने के लिए आप फ्री हैं। टीचर ने किससे कहा होगा, अरे भाई बच्चों से कहा होगा, विद्यार्थियों से कहा होगा, मुझसे कहा होगा, तुमसे कहा होगा, यानी यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि टीचर ने लड़कों से कहा होगा, तो लड़कों के अनुसार जब यू को बदलोगे तो बच्चों दे हो जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि यू को बदलकर ये दे बपौती है यू की, ऐसा कुछ नहीं है। यू को बदलकर आप दे लिख सकते हैं, आप यू को बदलकर आई भी लिख सकते हैं, आप यू को बदलकर इस वाक्य के अनुसार सी भी लिख सकते हैं, और यू को बदलकर यू ही रहने दे सकते हैं, तो आप 302 के क्रिमिनल नहीं बनेंगे, आप 302 के अपराधी नहीं होंगे, आपका जवाब वो भी सही होगा। दे, अब देखिए शुड, शुड में तो कोई बदलाव होता नहीं है, तो शुड ही रहेगा, दे शुड वर्क हार्ड। अगला वर्क देख लीजिए, द ओल्ड मैन सेड, कामा के अंदर लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बूढ़े आदमी ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी से अच्छी नीति कोई है ही नहीं। बच्चों इस वाक्य में एक यूनिवर्सल ट्रुथ झलक रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम इस वाक्य में क्या यूज करेंगे, टेंस परिवर्तन तो करना ही नहीं है, सेट भी नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका जो सीधा आंसर बनेगा वो बनेगा द ओल्ड मैन सेड। यहां कामा के स्थान पर दैट लगाओ, द ओल्ड मैन सेड दैट, अब ऑनेस्टी बदलेगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है ये, तो जगह ऑनेस्टी इज नहीं बदलेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, भले बाहर पास्ट है लेकिन तभी अंदर वाले का टेंस नहीं बदला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि बाहर पास्ट था फिर भी नहीं बदला क्योंकि अंदर वाले वाक्य में एक प्रकार का मुहावरा, एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई दे रहा था। अगला वाक्य देख लीजिए, सी सेज टू मी, कामा के अंदर लिखना है यू आर
यू आर ए गुड बॉय। शी सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय, वह मुझसे कहती है तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इसमें देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, सेज को बदल करके हमने आपको लिखवाया था टेल्स करते हैं, अगर कर्म है तो, यहाँ कर्म है तो हम सेज को बदल करके टेल्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका आंसर बन रहा है सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लगाओ, दैट लग गया। यू को बदलिए बच्चों, फिर यू, यू कर्ता रूप है और यू को बदलेंगे मी के अनुसार, तो मी का कर्ता लिखना होगा तो हो जाएगा आई, ठीक, मी का कर्ता आई होगा ना। अब आर को बदल करके बच्चों, हमें टेंस तो बदलना नहीं है, और जब टेंस नहीं बदलना है तो इसी टेंस के अनुसार हमें करना क्या, आई के अनुसार एक नई क्रिया लिखनी पड़ेगी ना, आई एम, आई के साथ आर तो लगाओगे नहीं, आई के अनुसार आई एम हो जाएगा। तो सी टेल्स मी दैट आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। बच्चों अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कितना लिखवाएंगे, अब ये समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एग्जाम्पल हम कितनों करवा में कम है, फिर भी हमने पूरी कोशिश किया है, जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते थे, वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है, लगभग 50 मिनट पार कर रहा है। तो ये ऐसा टॉपिक था बच्चों जिसको हम दो दो घंटे में पढ़ाते हैं, और हम अगर 50 मिनट में समराइज कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल हम अगले वीडियो में आपको और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक इस नियम से संबंधित वाक्यों को आप खुद एक्सरसाइज करें, खुद हल करें, और उसमें देखें कहाँ आपके सामने समस्या आती है। अगर समस्या आती है तो ही उसका निराकरण होगा, केवल इस एग्जाम्पल से आपके समझ में नहीं आएगा बच्चों, आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा, और केवल मेरे इतने पढ़ाने से आप इनडायरेक्ट नहीं बना लेंगे, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे, उतने ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, और नरेशन में आप उतने ही मजबूत होंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर वीडियो मेरा मन से देखा तो ही धन्यवाद के पात्र हैं, अगर वीडियो मन से नहीं देखें तो धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। सीधी सी बात है, अगर वीडियो मन से देखे हो और आपने कुछ सीखा हो तो फिर से आपको पूरे मन से धन्यवाद देते हैं, और पूरे दिल से आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि अगला टॉपिक जब मैं समझाऊँ तो आप उसे और अच्छा समझें। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्ट क्वेश्चन, हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा भी रहे हैं, अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, एनी टाइम 24 आवर 24 इंटू 7, यानी 24x7 कभी भी, 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एट एवरी मोमेंट, हम हर समय आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हाजिर होंगे। बस आप समस्याएं तो लेके आइए, समस्या ये है कि आप लोग समस्या पैदा नहीं करते हो, और समस्या अगर पैदा कर दो तो समाधान भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।